जो पेट्रोल है, डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए, इसलिए गाड़ी को अब धीरे धीरे ही चलाना पड़ेगा। बाकी आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करना चाहते थे वो। आपके दोस्त लोग नहीं आए, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब। चांद बढ़िया चमक रहा है। हाँ कैमरा भी अच्छा जाएगा। हेलो दोस्तों एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल अभी मैं हूँ गैंगटॉक में। अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नॉर्थ सिक्किम के ट्रिप के लिए। तो नॉर्थ सिक्किम में गुरुदोंगमार लेक है और जीरो पॉइंट। तो आज का जो सफ़र है वो सिर्फ 100 किलोमीटर होगा लाचेन तक। तो लाचेन यहाँ से 120 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप में। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर वापस आके। खुदा हाफिज़। तो 4.5 घंटे दिखा रहे हैं 120 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए। अभी सुबह के 10:40 हुए हैं। सामने एक वाटरफॉल है। तो जो लाचेन वाला जो रास्ता है छोटा सा है, सिंगल लेन है और बाकी चारों ओर पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये बहुत टाइम के बाद सूरज की रोशनी। तो इधर बस भी चलता है सिक्किम का। तो यहाँ पे एक ब्रिज है और ब्रिज में जो ये फ्लैग लगा है बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो निकलते हैं फिर ब्रिज से। ब्रिज नंबर 2 लिखा है। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। नेशनल हाईवे 310 है ये। ये भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये रास्ता। इधर का और छोटा होते जा रहा है जितना मैं आगे बढ़ रहा। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है इधर। फिलहाल इस रास्ते पे अभी तक इधर तो मुझे कोई बाइक राइडर नहीं मिले। स्पीड यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है और जिस टाइप से मोड़ है तो उससे ज़्यादा हम लोग कर भी नहीं सकते स्पीड। ये देखो मोड़ कैसा है भाई। जाओगे कहाँ? बैठ जाओगे इसमें? एक सेकंड मैं बैग को साइड कर देता हूँ ना। हाँ तो कहाँ जाना है? नहीं, हम वो पर खड़े हैं। अच्छा तो हाथ दिए आप लोग? हम ऐसे करने चाहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करना चाहते थे। ओके ओके ठीक है ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7-8। आप कहाँ रहते हो? मैं छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य है ये है। दोस्त लोग नहीं आए, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब। हाँ मैं पढ़ाई कर लिया हूँ। हाँ ये कैमरा है। ओके बाय बाय। शायद तक तीस्ता रिवर है और इसका जो पानी का कलर है ग्रीन है और ये जो जितने भी जंगल है जंगल के साथ मिक्स हो जा रहा है। ये बढ़िया लग रहा है ये। हरियाली ही हरियाली है, साथ में ये सूरज की जो रोशनी है बहुत ज़्यादा चमक रहा है। वेलकम टू मंगसिला इन सिक्किम। भैया ये कौन सा जगह है ये? हाँ रंग रंग जीरो। अच्छा अभी मंगन नहीं आए है ना? ओके ठीक है, थैंक यू भैया। मैं पहुंच चुका हूं मंगन और यहां पे लास्ट पेट्रोल पंप है अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हैं तो। आपका कितना लीटर का है ये? 5 लीटर का, पर थोड़ा कम कर दीजिए। 5 लीटर इसमें नहीं जाएगा तो? हाँ तो कम कर दीजिए ना, देखिए कितना आ रहा है। जार कहाँ से लिया? ये जार मैं गैंगटॉक से। जार ठीक है ना अंकल? ठीक है ना। अच्छा लगा। इसके बाद आप पेट्रोल पंप नहीं है ना अंकल? नहीं है। ओके हो जाएगा आपको। हो जाएगा ना।
डर है कि पेट्रोल यहाँ से गिर ना जाए, देखते हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं मंगन के पेट्रोल पंप के बाद, लाचेन वाला जो रास्ता है ये ऊपर वाला है, राइट साइड। वेलकम टू मंगन। आई थिंक लाचेन यहाँ से 40 किलोमीटर और बाकी है। बीच बीच में ऐसे थोड़े थोड़े से रास्ते ख़राब हैं। जब आप गैंगटोक से लाचेन के लिए आएंगे तो जो मंगन वाला रास्ता है बहुत ही ज़्यादा मोड़ है, तो इस टाइप के रास्ते आपको मिलेंगे। नज़ारे बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं रुक गया। तो जो पेट्रोल है, डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए, इसलिए गाड़ी को अब धीरे धीरे ही चलाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 2 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट मंगन जो एक जगह है जो कि गैंगटोक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से जस्ट निकल रहा हूँ। और ये जगह ऐसा जगह है जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल ज़रूर फिल करवा लीजिए। उसके साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा कैन भी रखा हूँ 5 लीटर का, वो भी फुल है, गाड़ी में भी टंकी फुल है। गैंगटोक से जो मंगन या लाचेन का जो रास्ता है, मंगन तक का जो रास्ता है एकदम छोटा सा है, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा टर्निंग है, मतलब हर मोड़ पे मोड़ है, तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। और थोड़े थोड़े से बीच में रास्ते भी ख़राब हैं। तो अभी 2 बज रहे हैं और अभी लाचेन जाना है मुझे, 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से लाचेन। फिर लाचेन आज शाम तक पहुँचने के बाद मैं कल सुबह निकल जाऊँगा गुरु दोंगमार लेक के लिए। यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, मस्त लग रहा है। पहाड़ है, हरा भरा पहाड़ है, उसके ऊपर फिर क्लाउड नज़र आ रहा है, आप ये नज़ारे देखिए। सो मंगन से थोड़ी दूर आगे आने के बाद आता है तुंग चेक पोस्ट, जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो परमिट है उसका भी चेक होता है। और जैसे ही तुंग चेक पोस्ट क्रॉस होता है, आगे आता है एक थेंग टनल, प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। तो ये मेरा सेकंड टनल है और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बादल मस्त ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। लाचेन जाने के लिए लेफ्ट साइड है और लाचुंग के लिए राइट, जो कि लाचुंग जाता है 0 पॉइंट और लाचेन जाता है गुरुदोंगमार लेक, तो दोनों का नाम एक ही जैसे है। छः बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं लाचेन। वैसे 5 बजे का पहुंच चुका था, बट यहाँ पे रूम ढूंढने में लगभग 1 घंटे लग गए। तो फिलहाल अभी मैं लाचेन पहुंच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो रूम मिल गया है लाचेन में, यहाँ पे 1000 से कम में रूम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हेड 700 रुपये पड़ रहा है मुझे, हालांकि 2 लोग मेरे साथ और हैं तो इसीलिए 700 पड़े, नहीं तो आपका लाचेन में 1000 से कम मिलेगा ही नहीं कहीं पर। और साथ में डिनर इंक्लूड है और ब्रेकफास्ट भी। कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से गुरुदोंगमार लेक के लिए, तो मिलते हैं कल सुबह गुरुदोंगमार लेक में। खड़ी बोलते हैं ना भैया, कुड़ी कुड़ी कुड़ी। चांद बढ़िया चमक रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं लाचेन में और कल निकल जाएंगे याथांग से होते हुए थांगू वैली, थांगू वैली से फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड है काला पत्थर, देन हमें जो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये है गुरुदोंगमार लेक, जो कि 17,800 फीट की ऊंचाई पे है। ये रहा मैप लाचेन का।